अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने से मान में रखे। अच्छा जी, तो ये है जी सुबह का टाइम 7:30 का। तो आज है जी सोमवार। तो ये मैंने अभी दूध निकाल के रखा है, ये करने लगी हूँ बॉयल। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, आपको सब नेट लग रहा होगा अभी सब, क्योंकि कल घर में तो कुछ बना नहीं, मैं चली गई थी सिस्टर की तरफ। तो ये देखेंगे फ्रूट्स, ये इतने खूबसूरत से फ्रूट्स। तो ये ऑरेंज है और ये बनाना, सब आपको नीट क्लीन लग रहा होगा, इस वजह से लग रहा है कि ये मैंने टॉवल जो है वो चेंज कर दिया, किचन टॉवल जो था। तो ये देखेंगे बनाना। तो अभी मैं करने लगी थी दूध बॉयल, बच्चे सोए हुए हैं, ये सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ के भी फ्री हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी जो है वो बात कर लूँ सुबह। तो आपको मैं सुबह का व्यू दिखा सकती हूँ ऐसे, अभी तो धूप भी नहीं निकली है। देखिए जी, ये देखिए इस तरह का कुछ व्यू है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये देखी सारे बर्तनों को मैं जो साबुन वगैरह लगा के रख चुकी हूँ। तो अभी हम नाश्ता करके फ्री हुए थे, तो मैंने सारा क्लीन किया, किचन की शेल्फ हो गई, सारा कुछ क्लीन करके। तो रूम तो पहले मैं सेट कर, जब उठती हूँ तो फौरन से ही सेट कर लेती हूँ। तो मैं ज़्यादा जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं करती कि उसको काफ़ी टाइम के बाद, तो मैं साथ साथ में ना जो जो होता है बर्तन भी हूँ साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी बर्तन क्लीन, इसे क्लीन होने के बाद फिर बाद बैठेगी, बस वो झाड़ू देना और मॉप लगाना है। तो डस्टिंग वगैरह हो गई, तो मैंने ज़रा अपनी तबीयत को देख के काम करने होते हैं, आपको भी पता है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे जो है बैक का इशू है, बैक पेन का, तो जिसकी वजह से मैं सारे थोड़ी बात करते हुए कट जाती हूँ। मैं अब सारे ग्लास से पहले वॉश कर लेती हूँ, ये बच्चों के लिए रखे हैं, सारे बर्तन वॉश, ऐसे कप वगैरह वॉश कर, तो मैं उनको रखती जाती हूँ साथ साथ, ये देखें। तो क्योंकि इनको पहले ही मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि आपने जब खाना खाया होता है, कभी अंडा वगैरह भी बना होता है, फिर अंडे की जब स्मेल आती है तो आप से पानी या चाय वगैरह नहीं पी, इसके पहले मैं ये बर्तन, ये जो ग्लास और कप्स होते हैं इनको ही वॉश करना मुनासिब समझती हूँ। तो यकीनन आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, ये कोई नया ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मिक्स बर्तन धो दिए,
लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, जो मैं करती हूँ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बोतल भी जो है पानी वाली बॉटल ये मैं डेली से डेली वॉश करती हूँ, तो सुबह और नाश्ता करना होता है, सुबह दोपहर का खाना और रात का, मैं तीनों टाइम बर्तन के साथ साथ इसको लाजमी वॉश करती हूँ, क्योंकि हाथ लगे होते हैं तो फिर बच्चे भी बार बार बॉटल पकड़ लेते हैं, फिर बहुत उलझन होती है। तो ये तेल की प्यालियाँ मैं नहीं यूज़ करती थी पहले, तो अब जो मुझे ना मैंने पता नहीं किसके घर देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं ये चीनी के बर्तन ही यूज़ करती थी, तो प्लास्टिक जो है मेरे हस्बैंड यूज़ नहीं करने देते, तो ओवन में तो बिल्कुल भी नहीं। और कुछ बर्तन मैंने ऐसे रखे हुए हैं किसी घर में सब खाना भेजना पड़ गए तो, या बच्चों के साथ आपको पता फिर भेजना होता तो बच्चे बाजू का गिरा देते हैं, या बच्चों के लिए भी कभी कुछ दो चार बर्तन मैंने प्लास्टिक के ऐसे रखे हैं तो फिर ऐसे डर नहीं होता, टूट जाने की बात वो डर नहीं है, डर ये होता है कि बच्चों के हाथ पे ना लग जाए। तो ओवन में तो आप लोग भी बिल्कुल जो है प्लास्टिक के बर्तन को ओवन में मत गर्म किया करें, गर्म करने से मतलब जैसे सालन वगैरह हो गया या राइस बनाते हैं आप लोग उसमें प्लास्टिक के बर्तन में करके गर्म करते हैं, तो ये तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, तो आप लोग भी इस चीज़ से अवॉइड किया करें। तो ये देखिए लीन हो गया, तो अब ये जो है ये टॉवल मैंने इसीलिए रखा है, न्यू लगाया जो पहला था वो बहुत गंदा हो चुका था, रफ हो चुका था, तो फिर मुझे वो था फेंकना था, तो मैंने कहा उसको फेंक के तब मैं नया वाला लगाऊँ, तो मुझे खुद भी बड़ी उलझन होती है कि उसको पकड़ते रहे, तो फिर बर्तन क्लीन करके तो मैं फिर आपकी बात करें। बर्तन तो क्लीन हो गए हैं लेकिन इसको डन कर लूँ, नीट कर लूँ, फिर बात करती हूँ। फिर ओके अच्छा जी, तो यहाँ पे हो रहे हैं जी 3:15 का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी सब काम शाम करके तो अभी फ्री होकर, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो आज मैंने रूम की सेटिंग भी चेंज की है, तो ये आप देख सकते हैं रूम की सेटिंग मैंने चेंज कर ली है, और 2-सीटर जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो मैंने भी यहाँ पे रख लिया है 2-सीटर। तो ये देखें जी रूम की सेटिंग हो गई चेंज, तो लाइट का भी काफ़ी, लाइट जो ज़्यादा लाइट ऑन हो रूम में तो मुझे फिर बहुत उलझन लग जाती है उससे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने अभी एक नॉर्मल सी ही लाइट चलाई हुई है, ऑन की हुई है लाइट, तो मैंने कहा चले आपसे भी बातचीत होती है, तो आप सुनाएं क्या चल रहा है सबका, सब क्या कर रहे हैं अब तक, आजकल कौन कौन से बच्चों का एडमिशन हो करवा, कुछ मदर्स होंगी जिन्होंने बच्चों का न्यू एडमिशन करवाना है, और कुछ बच्चों के तो एडमिशन हो चुके हैं, न्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो लेकिन मेरे बेटे की तो भी सिर्फ जो है उसकी क्लासेस जो हैं वो तो अभी नहीं, उसके तो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अभी जो छोटे वाले हैं उनको तो भी मैंने स्कूल में एडमिशन करवाना है, एडमिशन स्टॉक ओपन हो चुके हैं, तो बस
इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला मैंने उनको थोड़ी देर तक ही एडमिशन करवा देना। तो मैं आज खाने में क्या बनाऊंगी, अभी बहुत सोचने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या बनाना चाहिए। तो बस नाश्ते के बाद यही होता है जी, अब वो सबसे पहले सोच ही आती है कि आज खाने में क्या बनाएं। तो अब देखते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर कोई आइडिया दिया करें। मैं तो सोच रही थी कि एक जो है मेन्यू आपको बना के रख लेना चाहिए वीकली ना, तो किचन में ही उसको लगा देना चाहिए कैबिनेट्स पे, किसी भी आप कैबिनेट उस कैबिनेट पे लगाएं जिस पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़े, तो आप उसको ही फॉलो करें और नेक्स्ट वीक में फिर वो उसको आगे पीछे कर लें। वो तो आपने मैनेज करना है ना, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना चाहिए। तो बस जी, मुझे लगता है कि शायद ये रोज़ पकाने वाली बात का मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, लेकिन हो भी सकता है कि अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता हो कि दोपहर को क्या बनेगा रात को क्या बनेगा। फिर हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है कि अब क्या खाएं, ये हम वो एक बच्चा कह रहा होता है मैं ये नहीं खाऊंगा, वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, कुछ कह रहे होते हैं मीट नहीं खाएंगे हम। तो समझ नहीं आती कि फिर बंदा करे तो करे क्या। तो देखते हैं अभी कि क्या फाइनल होता है। तो बस मैं तभी तब से यही सोच रही थी कि क्या बनाना चाहिए मुझे ना। तो अभी बच्चे घर पे भी नहीं हैं, तो बच्चे ज़रा ऐसे ज़रा घूमने के लिए गए हुए हैं अपने पापा के साथ। जैसे ही बच्चे घर आते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ, कुछ आइडिया लेती हूँ, तो फिर आइडिया लेके सबसे पूछ के फिर बनाना होता है ना, आपको पता तो है। तो मौसम कैसा आप सबकी तरफ? तो मुझे अभी इतनी सर्दी लग रही थी तो मैंने हीटर ऑन किया, मेरी तबीयत टांगों में पेन थी काफ़ी ना, तो मैंने फिर हीटर ऑन करवाया। हीटर ऑन करके तो अभी बिल्कुल हीटर के पास ही बैठ गई हूँ, आके ब्लैंकेट में बैठने को दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मैं ज़रा टांगों को लगवाऊँ, हीट लगे तो सुकून हो ज़रा। तो भी ना आज तो भी मैंने चेंज भी नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा चेंज करने को। कभी कभी माइंड जो है ना वो बस अपसेट सा हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती कैसा क्यों है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने सेवान में रखे, हमें परेशानियों से बचाए, दुआ करते रहना चाहिए। तो बस मौसम भी इंशाल्लाह चेंज हो रहा है, अब तो 4 बजे के टाइम ऐसा हो जाता है कि जैसे गर्मी वाला मौसम नहीं हो जाता, गर्मी में हवा हल्की हल्की सी चल रही होती है, ठंडा ठंडा सा मौसम, जैकेट्स वगैरह उतर जाती हैं, अब वो हो गया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, सर्दी हो गर्मी हो नॉर्मल मौसम आ जाए, शुक्र अदा करते रहना चाहिए, हम तो उसका जितना भी शुक्र अदा करें काम में। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।